हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू विल वेल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस सब्जेक्ट चैप्टर 40 एयर एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम लोग ने इस पैसेज तक हमने पढ़ा था ऑनलाइन क्लास में, क्लीनिंग वाटर एट होम, कि घर में हम कैसे पानी को प्योर कर सकते हैं, किस स्टेप से। यहाँ तक मैंने पढ़ा था स्टूडेंट, हम लोग ने पढ़ा था, और यहाँ से अब स्टार्ट करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप लोग अपनी बुक ले लीजिए और सब लोग देखिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, उस पर आप केयर करिएगा। ओके स्टूडेंट, वाटर साइकिल। हमारे पृथ्वी पे पानी की कितनी मात्रा होती है मैंने बताया है, और उसका यूज कैसे होता है, हम कहाँ पे सेव करते हैं उसको और कैसे उसका यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी से आकाश में उसका क्या प्रोसेस रहता है जो पानी के रूप में हमारी पृथ्वी पे आता है, उसके बारे में स्टूडेंट अब आगे पढ़ेंगे हम यहाँ से। द सन हीट अप द सन। सूर्य जो है, सूर्य को बहुत ज्यादा हीट करता है, गर्म करता है। द वाटर इन द रिवर। नदी का जो पानी होता है, झरनों का पानी जो होता है, समुद्र का पानी जो स्टूडेंट होता है, वो पानी धीरे धीरे जब सूरज का प्रकाश बहुत तेज से होता है, तो उस वो सूर्य के प्रकाश से स्टूडेंट पानी जो होता है, ये सब नदी का, तालाब का, झरनों का, ये सब जो है पानी वाष्प में बदलने लगता है। द वाटर वेपोर राइज अप। और उसके बाद वो ऊपर को उठने लगता है। द वाटर वेपोर चेंज इन टू वाटर ड्रॉप्स। फिर धीरे धीरे वाष्प बूंदों में बदल जाता है, बूंदे बन जाती हैं। वेन इट रीच द कूलर पार्ट ऑफ द स्काई। उसके बाद जब बूंदे बन जाती हैं, तो ये धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर आसमान पे, आकाश पे ऊपर चले जाते हैं, और वहाँ पे कूलर पार्ट में जो भाग हमारे आसमान का ठंडा होता है, वहाँ पे जाके ये जम जाते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट गैदर टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड। देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है स्टूडेंट, कि जो पानी होता है, जो बूंदों के रूप में वो आप आकाश में चला जाता है, वो गैदर्ड हो जाता है धीरे धीरे, और फिर क्लाउड बादल के रूप में परतें जम जाती हैं, व्हाइट कलर की, जैसे आप देखते हैं जिसको आप बादल कहते हैं। वेन द क्लाउड बिकम टू हैवी विथ वाटर। जब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाती है बूंदों के रूप में, कहाँ पे? स्काई में स्टूडेंट। दे फॉल डाउन एज रेन। फिर वो पानी के रूप में, बारिश के रूप में, फिर नीचे बारिश होती है। द रेन वाटर फिल अप द रिवर। फिर वो पानी फिल अप हो जाता है नदियों में, घाटियों में, झरनों में, समुद्रों में। द सन कंटिन्यू टू शाइन एंड चेंज वाटर इनटू वेपोर। द साइकिल कंटिन्यू। सूर्य जो होता है वो लगातार चमकता है, इसीलिए उस सूर्य के हीट से ही ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट, कि वाटर वो है वाष्प में भी बदल जाता है, फिर उसके बाद वो बूंदों के रूप में हो जाता है, फिर स्काई आसमान में जाके एकत्रित होके फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। यही है पानी की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं। हाउ टू सेव वाटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि पानी के महत्व, तो आपने पढ़ी कि पानी का कितना महत्व है और हमें कैसे यूज करना है उसका, और बगैर पानी के हम रह सकते हैं या नहीं, ये सब आपने पढ़ लिया है और जान लिया है। तो यहाँ पे पानी का कितना महत्व है और उसको कैसे सेव करना है। जब महत्व है तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, इसलिए कैसे सेव करना है, कैसे यूज करना है, कि पानी अधिकतम हमसे मिसयूज पानी का ना हो पाए। हेयर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव वाटर। यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिनसे ये हमें पता चलेगा कि हमें पानी कैसे सेव रखना है। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप ब्रश करते हैं, वॉशरूम में जाके ब्रश करते हैं, तो कभी कभी होता है कि बहुत लोग की हैबिट होती है कि टैप को खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं, तो उस बेस पे पानी बहुत ज़्यादा बह जाता है,
पानी का मिसयूज होता है, तो इसलिए ऐसा आप लोग ना करें स्टूडेंट। डोंट लेट वाटर ड्रिप फ्रॉम टैप एंड लीकिंग पाइप। जब पाइप लीक हो जाता है तब भी पानी बहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम टैप बंद करते हैं, उसको केयर से नहीं बंद करते हैं, तो आधा बंद होता है आधा नहीं, तो उससे बूंदें ड्रॉप होती रहती हैं, उससे भी पानी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाता है। गेट द लीकिंग पाइप से रिपेयर इमिडिएटली। अगर पाइप लीक से है और आपको पता चला स्टूडेंट, तो आपको बहुत जल्दी उसको बनवा लेना चाहिए जिससे पानी बर्बाद ना हो। यूज ए बकेट ऑफ वाटर एंड मग इंस्टेड ऑफ शॉवर टू टेक बेथ। जब आप नहाते हैं तो शॉवर, जब आप शॉवर लेते हैं तो पानी का यूज आप मग से करें, ताकि जितना आपको पानी का यूज करना है उतना ही हो, उसके बाद पानी सेफ हो जाए। व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर वाटर इन योर वाटर बॉटल, जब आप अपने वाटर बॉटल में पानी भरते हैं, पानी की बॉटल में पानी भरते हैं, तो पोर देम ओवरफ्लो पॉट्स। जब वो फुल हो जाती है तो गिरने लगता है, इसलिए उसको फुल करने के लिए कोई ऐसे बर्तन के पास रखें कि पानी जब बहने लगे तो वो बर्तन में ही गिरे, कहीं और ना गिरे। व्हेन यू यूज वाटर टू वॉश वेजिटेबल, जब आप पानी का प्रयोग सब्जी धोने में करते हैं, यूज द वाटर टू वाटर द प्लांट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग इट डाउन द ड्रेन्स। जब आप पानी का यूज प्लांट्स में करते हैं, पेड़ पौधों में करते हैं, तो उसमें भी ऐसा यूज करें फेंके, मतलब वेजिटेबल वाला जो पानी होता है जिससे आप सब्जियां धोते हैं, वो पानी को आप कोई पेड़ पौधों में डाल दें, आप यहाँ अगर पेड़ पौधे हैं तो ऐसे ना फेंके। कीप फ्लावर पॉट्स अंडर हैंगिंग पॉट्स सो दैट द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द हैंगिंग पॉट्स वाटर द फ्लोस फ्लावर पॉट्स ब्लो। जब आप फ्लावर पॉट्स रखते हैं, टांगते हैं या घर में डेकोरेट करते हैं, तो उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी ड्रिप करते रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट एंड यूज इट टू वाटर प्लांट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो बारिश होती है उस पानी को बाल्टी में, ड्रम में, किसी भी आपके यहाँ जो भी बर्तन जैसे भी उपस्थित हों, उस तरीके की चीज़ों में आप उसको सेव कर लें, और फिर उसके बाद आप उस पानी का यूज करें प्लांट में डालने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, आपके यहाँ जो बाइक है, फोर व्हीलर है, जो भी है उसको वॉश करने के लिए आप बारिश का पानी यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हेन इट रेन हैवली, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, वी कैन कलेक्ट वाटर इन ड्रम। हमें क्या करना चाहिए, ड्रम में वाटर कलेक्ट कर लेना चाहिए, पानी को एकत्रित कर लेना चाहिए, बकेट में, बाल्टी में, टैंक में कर लेना चाहिए। द टेरेस आर स्लोपिंग रूफ्स शुड बी वेल कनेक्टिंग विथ पाइप। और जो हमारे छत होती है, छत पे हमारे पानी भर जाता है, तो उसको बांध बना लेना चाहिए, पानी को पानी के बांध बना के, और ढलाई तरीके से उसको ऐसा पाइप से कनेक्ट करना चाहिए कि वो पानी मिस यूज में ना आए, वो पानी हमें सेफ मिल जाए। व्हेन इट रेन्स द वाटर फ्लो दो दीज पाइप्स एंड प्योर इन टू द टैंक आर ए ड्रम। जब बारिश बहुत तेज होती है तो पानी छत में बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाता है, जैसे कि आपको पता है। कभी कभी आप लोग स्टूडेंट ऐसा भी करते होंगे कि आपकी छतों में पानी भर जाता है, तो उसमें आप खेलते होंगे बारिश में भीग भीग के, तो ऐसा ना करें स्टूडेंट। और उसके लिए क्या करें, आप बांध बना लें, एकत्रित कर लें पानी को, और टैंक में, ड्रम में भर लें। दिस वाटर कैन बी यूज टू वॉश। ये पानी क्यों ऐसा सेव करना है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ बाइक होगी, कार होगी, साइकिल होगी, जो भी होगी, आप उसको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं इस पानी से। आपके यहाँ टॉयलेट होगा और बाथरूम्स होंगे, उसको भी आप इस पानी से वॉश कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं। दिस मेथड टू कंजर्विंग वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी मेथड को हम वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है स्टूडेंट। ओके, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसको एक बार रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जो आपको या तो मैं समझा दूंगी, या तो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दूंगी, आप उसको कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा,
आप देख के उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।